नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज में अब तक की 10 बड़ी खबरें। यूपीएससी की तर्ज पर अब जजों की भर्ती भी हो सकती है, इस बात के संकेत केंद्रीय न्याय एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तीन द्वीपों के नाम बदलेगी सरकार। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के तीन द्वीपों के नाम बदले जाएंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर द्वीपों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जिन द्वीपों के नाम बदले जाने हैं उनमें रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड शामिल हैं। इन द्वीपों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम दिए जाएंगे। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच सुंदा खाड़ी में आई भयानक सुनामी से तटीय एरिया पूरी तरह तबाह हो गया है। इस आपदा में अब तक 429 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1500 के करीब लोग घायल हैं। वहीं 154 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने खराब मौसम और ऊंची ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। नोएडा में पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। AIMM के अध्यक्ष ओवैसी ने इस मामले पर यूपी पुलिस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि नोएडा में कांवड़ियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि अगर उनका कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ता है तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत इस समय सर्दी के सितम से जूझ रहा है। मैदानी इलाकों में पारा जहां रोज गिरकर नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी का कहर जारी है। पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया तो वहीं हरियाणा के नारनौल में 2.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सर्दी और कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और हवाई सेवा पर पड़ रहा है। जहां कोहरे के चलते सैकड़ों ट्रेनें लेट चल रही है, वहीं अकेले दिल्ली में 85 उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। 27 दिसंबर को धर्मशाला में भाजपा सरकार के एक साल होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला कार्यक्रम 2 घंटे से घटाकर अब 1 घंटे का हो गया है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से ही ट्रिपल तलाक पर व्हिप जारी हुआ था। ऐसे में सभी सांसदों को लोकसभा में रहना जरूरी है, जिसके चलते तमाम नेताओं का प्रदेश सरकार की चनाभार रैली में आना अब मुश्किल हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 26 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते देश के सभी बैंक आज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बैंकों में पिछले 4 दिनों से छुट्टियां चल रही हैं। वहीं ATM खाली होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बैंक यूनियन ने यह हड़ताल बैंकों के पारस्परिक विलय के विरोध में बुलाई थी। इस हड़ताल में सभी बैंक कर्मचारी और सभी यूनियनें शामिल हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हारने का डर सताने लगा है, इसलिए वो दुष्यंत और अभय के बीच में प्रॉपर्टी विवाद की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ जननायक जनता पार्टी है। हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर काला पेंट पोत दिया गया। इस घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल से इस घटना पर माफी मांगने को कहा है। इस बीच पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकाली दल ये मांग कर रही है कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित करने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। लोगों को वायु प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए NGT ने एक्शन प्लान लागू करवाया है। इसके मुताबिक पंजाब के 9 शहरों में नॉन अटेंडमेंट घोषित किया गया है। इसमें लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, खन्ना, डेराबस्सी, नंगल, डेरा बाबा नानक, मंडी गोविंदगढ़ शामिल हैं। इसके तहत खेतों में आग लगाने वाले किसानों से जुर्माना वसूला है और डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जुर्माने की सारी राशि एनवायरमेंट कॉरपोरेशन में जाएगी और यह पैसा पर्यावरण को साफ करने के कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा।